वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल एमबीडी ज्ञान में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चेंजेस अराउंड अस। चेंज इज अ नेचर ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर। इसका मतलब ये है कि इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वो सब बदलती रहती हैं। ये एक नेचुरल फेनोमेना है। जैसे कि बर्फ़ का पिघलना, क्या है ये? परिवर्तन है। बर्फ़ का पिघलना, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाती है। अब हम चेंजेस के बारे में आगे पढ़ेंगे। एवरी चेंज हैज अ रीजन फॉर इट्स चेंज, टू चेंज इट्स साइज, शेप एंड कलर। जो भी हमारे चेंजेस होते हैं उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का साइज, शेप और कलर चेंज हो जाते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे। चेंज इन शेप, इसका एग्जांपल क्या है? शेप चेंज के लिए शेप ऑफ मून। मून जो होता है उसका शेप चेंज होती रहती है। कभी बड़ा पूरा मून दिखता है हमें, कभी कभी आधा मून दिखता है। फिर है चेंज इन साइज। साइज में चेंज के लिए एग्जाम्पल क्या है? ग्रोथ ऑफ ट्रीज। ट्रीज एक साथ तो बड़े नहीं होते, पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, तो उसका साइज क्या है? चेंज होता रहता है। अब है चेंज इन कलर। कलर में चेंज कैसे देख सकते हैं? कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज इज रेड। सन का जो कलर होता है, सनराइज का मतलब जब सूरज निकलता है, तो उसका कलर कैसा रहता है? रेड। एंड एट नून इट इज वाइट। लेकिन दोपहर को कैसा हो जाता है उसका कलर? टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ चेंजेस। चेंजेस कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस। सबसे पहले रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस द चेंजेस विच कैन रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। वो चेंजेस जिसकी कंडीशन रिवर्स करने पर वो अपनी फॉर्म में वापस आ जाए, वो होते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। हमारे पास रबर बैंड होती है, अगर हम उसे स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो वो चौड़ी हो जाती है, पर अगर उसे छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी शेप में आ जाती है, तो वो किसका एग्जांपल हो गया? रिवर्सिबल चेंजेस का। ठीक है, अब है इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस कौन से होते हैं? द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स इवन आफ्टर रिवर्सिंग द कंडीशन। मतलब जो एक बार अपनी फॉर्म को चेंज कर दे तो वो वापस अपनी फॉर्म में नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर। अगर पेपर एक बार जल जाता है तो वो वापस पेपर की फॉर्म में नहीं चेंज हो सकता। अब हम इन दोनों के कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले रिवर्सिबल के एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें फर्स्ट है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, ये मैंने अभी बताया था क्या है। दूसरा है ग्लोइंग अ बल्ब, बल्ब का जलाना। अगर हम बल्ब को जलाएंगे, स्विच ऑन करेंगे तो जल जाएगा, और स्विच को ऑफ कर देंगे तो वो वापस से बंद हो जाता है। थर्ड एग्जांपल है प्लोइंग अ फील्ड, खेत का जोतना। ये भी क्या है? एक रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, इसके बाद इरिवर्सिबल चेंज देखेंगे। बर्निंग ऑफ अ पेपर, किसी पेपर का जलना, या फिर वुड मतलब लकड़ी का जलना, ये क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ ट्री, ट्री की ग्रोथ, पेड़ का बढ़ना, क्या है? इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि वो वापस से छोटा नहीं हो सकता। थर्ड है चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। कर्ड का मतलब दही। अगर हम दूध को एक बार दही में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस दही को दोबारा से दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? इरिवर्सिबल चेंजेस। अब पढ़ेंगे हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। सबसे पहले फिजिकल चेंज क्या होते हैं? फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है बस, तो उसे क्या बोलेंगे हम? फिजिकल चेंज। फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये किसका एग्जांपल है? फिजिकल अपीयरेंस की चेंज का, क्योंकि जब बर्फ पिघलती है तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। अगला क्या है? कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को जब कट करते हैं तो ये भी किसका है? फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, क्योंकि जब पेपर को कट करेंगे तो छोटे छोटे पीसेस में कटेगा, लेकिन रहेगा तो वो पेपर ही। दूसरा है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कन्वर्ट द सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस। इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, वही सब्सटेंस रहता है, लेकिन जो केमिकल चेंज होते हैं उनमें हमारा सब्सटेंस एक नए सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर, अगर हम पेपर को जलाते हैं तो
तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, राख में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, जब भी प्लांट बड़ा होता है तो सबसे पहले क्या बीज उगाते हैं हम, बीज किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या होता है। पहले है हमारे पास फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल अपीयरेंस चेंजेस, जो फिजिकल चेंज होता है तो उसमें बस उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है। लेकिन जब केमिकल चेंज होगा तो उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। सेकंड है चेंज इज नॉट ऑलवेज रिवर्सिबल, मतलब इसमें जो चेंज होता है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। लेकिन केमिकल चेंज में जो चेंज होगा वो हमेशा ही क्या होगा, इरिवर्सिबल। द चेंज इज ऑलवेज इरिवर्सिबल। थर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ इनिशियल सब्सटेंस नॉट चेंज्ड, इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है इनिशियल सब्सटेंस की वो चेंज नहीं होती, परंतु जब केमिकल चेंज होगा तो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इनिशियल सब्सटेंस आर लॉस्ट। उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी इनिशियल सब्सटेंस की, जिस सब्सटेंस को हम चेंज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। जैसे कि अगर पेपर को बर्न कर रहे हैं तो पेपर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग होती हैं, और जो ऐश होती है राख उसकी प्रॉपर्टीज अलग। फिजिकल और केमिकल चेंजेस जितने भी हमने चेंजेस पढ़े हैं उनके बारे में एक इम्पोर्टेंट नोट देखेंगे। वन सब्सटेंस मे अंडरगो मैनी डिफरेंट चेंजेस अंडर डिफरेंट एक्शंस। एक ही सब्सटेंस है हमारे पास, अगर हम उस पर अलग अलग एक्शन करते हैं तो वो डिफरेंट चेंजेस को शो करता है। अब हम इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे फोल्डिंग ऑफ पेपर। अगर किसी पेपर को फोल्ड करते हैं तो वो कौन सा, किसका एग्जाम्पल बताया था, रिवर्सिबल चेंज का। फिर है कटिंग ऑफ अ पेपर, किसी पेपर को कट करने वाला किसका एग्जाम्पल था, फिजिकल चेंज का। थर्ड है बर्निंग ऑफ अ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर किसका एग्जाम्पल था, केमिकल चेंजेस का। तीनों चेंजेस अलग अलग हैं पर सब्सटेंस क्या यूज हो रहा है हमारे पास, पेपर। इसमें भी पेपर है, इसमें भी पेपर है, इसमें भी पेपर है, मतलब तीनों चेंजेस में एक ही सब्सटेंस यूज हो रहा है लेकिन एक्शन अलग अलग है, इसलिए चेंजेस भी तीनों अलग अलग शो कर रहा है। हमारे चैनल एवरीडे ज्ञान को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।